जिंदगी में अगर आपने कोई चीज अचीव करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर इस तरह इंसान सोचता है कि आप सारे मरहले क्रॉस करके एकदम नीचे से ऊपर आ जाए, ऐसा होता नहीं है। कि देखिए, जो आपका माजी है ना, जो पास्ट है, उसका सिर्फ एक उससे आप चीज करते हैं, पास सीखते हैं। उसके अलावा पास में ना जिंदगी गुजारे, ना सोचे कि वो ऐसा होता तो ऐसे हो जाता, ना कोई रिग्रेट्स हो, कोई इसका कोई फायदा नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है, जो आप में से कामयाब लोग होंगे वो अपनी जिंदगी की बेहतर एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज बेहतर करेंगे, अपनी खामियां दूर करेंगे और आप ऊपर जाते जाएंगे। जो पास में फंस गया वो पीछे रहेगा। तो जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएंगे, दुनिया आपको कहेगी ये नहीं हो सकता। कभी भी अपनी जिंदगी, कभी अपनी जिंदगी इस पे ना गुजारना कि लोग क्या कहते हैं। जो कामयाब इंसान होता है वो जो कि एक तो हार नहीं मानता, क्योंकि बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, जितना बड़ा आप ऊपर सोचते हैं उतना ही आप नीचे गिरते रहते हैं। तो जो कामयाब इंसान होता है वो फिर खड़ा होता है और वो फिर जायजा लेता है कि मैं क्यों गिरा हूं, वो एनालाइज करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपनी खामियों को बेहतर एनालाइज करता है। अलामा इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहां तो आप जितनी अपना अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा है कि जितना हम अपने आप को चैलेंज करते हैं उतना ही अल्लाह हमारे अंदर ताकत बल्कि हमें अल्लाह ने जब अशरफुल मखलूकात बनाया है तो उसने अल्लाह ने हमारे में पोटेंशियल डाल लिया जो किसी मखलूक में नहीं है। लेकिन वो पोटेंशियल तब सामने आता है जब इंसान अपने आप को चैलेंज करता है। जब वो चैलेंज करना छोड़ता है वो पोटेंशियल खत्म हो जाता है।